तो बच्चों अब हमें पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास ये पता करना है। देखो ये वीपी का जब भी मैं बात करूंगा ना, ध्यान से सुनना, जब भी वीपी का बात होगा तो यानी यूनिट मास के बारे में बात चल रहा है। तुम बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मास ही सही। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम अच्छे से सुनते जाना है। ये है कोई एम मास, तुम बोलोगे ठीक, और ये छोटा सा कोई एम मास, तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। इससे आर दूरी पे, और दोस्त इससे भी आर दूरी पे एक तीसरा कोई पॉइंट मास आ गया, तीसरा कोई पॉइंट मास आ गया पी पे। तो अब कितना ज्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा वीपी इस जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तुम बोलोगे सर इस जगह पे एक तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और एक तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाँ कि ना? अच्छा अभी अभी जिन्हें नहीं पता चला है वो ऊपर देखे जरा मैंने क्या लिखा है। ये वीपी क्या है? वीपी है, मेरे कहाँ चला गया, ये वीपी है दोस्त, पोटेंशियल इन पोटेंशियल ऑफ एम एट डिस्टेंस आर। देखो तो क्या लिखा, वीपी पोटेंशियल ऑफ कैपिटल एम मास एट डिस्टेंस आर। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या योगेश दादा? देखो तो कि यहाँ जो कैपिटल एम मास है उसका पोटेंशियल पी पे अपना कुछ होगा और स्मॉल मास का अपना कुछ होगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। तो कैपिटल वाले बड़े वाले मास का पोटेंशियल क्या होगा बताओ तुम रुनाली? तुम बोलोगे सर अगर आप इसका बात कर रहे हो ना तो इसका पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा माइनस जी कैपिटल एम बाई आर। बोल, और स्मॉल वाले का क्या होगा? स्मॉल वाले का होगा वीपी पी पॉइंट पे माइनस जी स्मॉल एम बाई आर। अभी अभी फॉर्मूला हमने, और दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? तो अगर मैं इसको वीपी वन बोल दूं और इसको मैं वीपी टू बोल दूं तो नेट वीपी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये हो जाएगा वीपी वन प्लस वीपी टू। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी घटेगा नहीं, ऐड होता है, ठीक है? तो ये क्या करना, वीपी नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस जी एम बाई आर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं ठीक। अब मुझे बताओ अगर मैं बोल दूं कि किसी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है तो क्या वहां पोटेंशियल जीरो होगा? सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर एक तो सवाल ववाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो इसको अभी मान लेते हैं कैपिटल एम कुछ देर के लिए। देखो मैंने इसको बना दिया कैपिटल एम इस चीज को समझाने के लिए, ये भी हो गया कैपिटल एम। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये इसको इधर खींच रहा है जी एम, अब जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से, और ये इधर इधर खींच रहा है, तो आई का वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ पे जीरो आना चाहिए। हाँ तो आई जीरो है बट फिर भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस टू जी एम बाई आर। तो यहाँ तो है दो गुना हो गया ना एक दूसरे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी भी पॉइंट पे अगर नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो है तो भी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। गॉट इट? तो भी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। आइए इसको मैं लिखता हूं। किसी की तरफ से आवाज आ रहा है ना? तो कृपया ध्यान दें, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। ओमकार है, ओमकार। सर इफ मेरी तरफ से पोटेंशियल कुछ भी एनर्जी इज आवाज आ जीरो देन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। सर, इसके ही नीचे लिखे क्या? अरे यार म्यूट अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा सिस्टम, कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा है या मैं काम नहीं कर रहा। किसी की तरफ से आवाज आ रहा प्लीज म्यूट करो, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा।
चल क्यों नहीं रहा, मेरा सिस्टम लगता है स्लो हो गया, जितना तैयारी करके बैठते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। इतना देर में हम खुद ही लिख चुके होते। अरे यार देखो आ ही नहीं रहा, क्या आ गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा। तुम लोग लिखो, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो देन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। फॉल्स है, ये गलत है स्टेटमेंट, लिख दो तो फॉल्स। काम ही नहीं कर रहा, आई थिंक माई सिस्टम इज स्लो बच्चों। मैं हटा ही देता, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कुछ सिस्टम ही काम नहीं कर रहा। सर ये क्वेश्चन है क्या? सर क्वेश्चन नहीं है, मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, इसके आगे फॉल्स लिखो। मेरा सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। किसी की तरफ से आवाज आ रहा, प्लीज म्यूट करो, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। ये तो चल ही नहीं रहा है। उसको कट कर दिया। तुम लोग लिख लिए ना वो चीज जो मैं लिखवाना चाह रहा था, हाँ हाँ सर, मैं यहाँ पे लिख दूँ। रुको, इफ पोटेंशियल, सर लिख लिया लिख लिया। मुझे लिखने दो, इफ पोटेंशियल इज जीरो देन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो, ये भी जरूरी नहीं है। किस्मत लगता है आज धोखा देगा हमको, क्वेश्चन करवा पाएंगे कि नहीं इसका टेंशन है। ठीक है, अब आइए अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम निकालते हैं ये। नीचे फॉल्स दो। अच्छा हाँ, ये फॉल्स है। ठीक है, आओ देखो। अब मान लो एक स्क्वायर है हमारे पास, यह एक स्क्वायर, इस स्क्वायर के ऊपर एम मास बैठा है, यहाँ भी एम मास बैठा है, यहाँ भी एम मास बैठा है, यहाँ भी एम मास बैठा है। तो मैं बोल रहा हूं इन सब की वजह से, इन सब की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तुम बोलोगे बहुत सिंपल है ना, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ओ, तो वी ओ कितना हो जाएगा। एक का निकालो, चारों से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चारों का वही आएगा। बोलो चारों का तो वही आएगा ना दोस्तों, तुम बोलोगे हाँ हाँ चारों का सर, तो वही आएगा। कोई दिक्कत है किसी को, क्या आएगा वैल्यू? 4 × कितना हो जाएगा जी, सबका मास है स्मॉल एम, अपॉन दूरी कितना लिखे है, कितना आएगा दूरी, अगर एक साइड का दूरी है ए तो कितना आएगा दूरी, √2a या a/√2, कितना आ जाएगा a/√2, हमें ए कितना आ बाय जाएगा रूट। a/√2, तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, तो वीओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√2 gm बाई ए, ये आंसर आ गया। चार से मल्टीप्लाई किए क्योंकि एक इसकी वजह से होगा, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा इसकी वजह से, चौथा इसकी वजह से। कोई दिक्कत बताइए, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तो बहुत सारा सवाल है, कैसे करें। चलो मैं सवाल पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ आएगा सब। ना क्या माइनस में आएगा ना? कौन सा, ये वाला? हाँ माइनस में आएगा, गड़बड़ हो गया, माइनस लगा दो। ठीक है, खुश हैप्पी, माइनस ही होगा। माइनस ठीक है, अब क्वेश्चन है ही कि क्यों नहीं?
फॉर्मूला है इसीलिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, ईच ऑफ मास 2 kg, आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली। द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी देख लो। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है, अभी कुछ करना पड़ेगा उसका। ऑप्शंस लिखते हैं, ये नीट का सवाल है। हाँ ठीक है, बताइए। तुमको लग रहा होगा सर ये तो एपी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे यूज होगा। हाँ एपी यूज होगा। जो एपी को भूल चुके हैं उनको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एपी का फॉर्मूला जो बच्चे भूल चुके हैं उनको हो जाएगा दिक्कत, तकलीफ हो जाएगा उनको। सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखो ये एक पॉइंट है ओरिजिन, इसको कह दो 0,0। इससे कुछ डिस्टेंस पे सर यानी 1 मीटर पे, हाँ ना निगेटिव हाँ 4 जी वेरी गुड। यहाँ पे है 2 मीटर, यहाँ पे है 3 मीटर, 3 है या 4 है, 4 है तो यहाँ है 4 मीटर, फिर यहाँ पे है 8 मीटर है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। और सबका मास कितना है, 20 kg, 20 kg, 20 kg। तुम बोलोगे ठीक है 20 नहीं है, 2 kg है। ट्वेंटी ना गड़बड़ हो गया, 2 kg, 2 kg, 2 kg। तो ये बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। हम कैसे करेंगे देखो, हम पहले इस 1 मीटर दूरी पे जो है उसकी वजह से निकालेंगे, तो उसका आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जी, मास कितना है 2, अपॉन दूरी कितना है 1 मीटर, तो 1, फिर प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा जी, इसका दूरी कितना, वजन कितना है 2 × 2, फिर से माइनस माइनस, फिर से जी टू अपॉन कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस जी टू बाई 8, और ऐसे करके सो ऑन चलता जाएगा। यहां से जी टू को अगर हम कॉमन ले लें या 2g को कॉमन ले लें, वी नॉट माइनस 2g को अगर हम बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, होगा कि नहीं होगा। तुम बोलोगे हाँ हो जाएगा। एपी सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? हाँ
इसका डिफरेंस कितना आया? कॉमन रेश, कॉमन डिफरेंस 1/2 कार है क्या? देखो तो ठीक हाँ है, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखे, माइनस 2g इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ ठीक इक्वल्स टू नहीं, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन, देखो फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है सही खेल गया फॉर्मूला, बोलोगे एकदम परफेक्ट, गर्दा उड़ा दिया। ठीक है गर्दा जब उड़ा दिया तो आ गया, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2g, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1.5 माइनस करो 1 में से आधा, तो आधा ही बचेगा, कितना बचेगा आधा, तो 2/2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/1, 2/1 सॉरी 2/1, तो बाहर निकालो तो वी नॉट इज इक्वल्स टू -4 × g, एपी का फॉर्मूला लगा के, ठीक है एपी कहते हैं जीपी, एपी जी जीपी जो भी, है लेकिन हाँ ठीक ठीक है ना, जीपी सीरीज है ना। ओके एक और सवाल देंगे, एक और ये लिख चुके हो, उसके बाद न्यू हाँ टॉपिक लगाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हॉलो स्फीयर की वजह से, रिंग की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, सब पढ़ाएंगे, टेंशन काहे लेते हो, है ना सर, हम नहीं ले रहे टेंशन। टेंशन को पेंशन दो। आओ मैं सवाल पढ़ता हूँ, सभी बच्चे शांति बनाए रखेंगे। टू पॉइंट मासेस हैविंग मास m एंड 4m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इज, नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन मैं ही लिखूं, क्या हो गया सर? आवाज किसकी तरफ से आ रहा है, ये ओमकार तुम्हारे क्या तरफ आवाज से आ आ रहा है, रही? म्यूट करो, बहुत ही गंदा आवाज आ रहा है, पंखे का आ रहा होगा सर। म्यूट 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 इंप्रेशन म्यूट करो, म्यूट करो, तक तो सब कुछ सही चल रहा था, जब भी पढ़ाने के मूड में बैठो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती, अब आ रहा है सर। हाँ छोड़ो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, लिखते लिखते ही हालत खराब हो जाए, लिखो ये सवाल तो ठीक था ना। लिखो 2 पॉइंट मासेस, सॉरी 2 पॉइंट मास टू पॉइंट मासेस हैविंग मास एम एंड 4m आर प्लेस्ड
एट अ डिस्टेंस आर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अच्छा सवाल है, आराम से सॉल्व कर लोगे। आज हम ज्यादा सवाल नहीं करवा पाएंगे, मैं इसको ठीक करवाऊंगा, ठीक करूंगा कल, है ना, उसके बाद में करवाऊंगा आज, लेकिन सारा कंसेप्ट अच्छा अच्छा पढ़ा देंगे, ठीक है, चलेगा ना योगेश दादा? ठीक कोई इशू नहीं सर, ओके। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कोई दो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट है, एक का मास है, क्या हो रहा है, एक का मास है m, दूसरे का मास है 4m। बोल रहा है इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। मान लो आई यहां पर जीरो है, तो बोल रहा है इसी पॉइंट, मान लो पी पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल एनर्जी बताइए दोनों की वजह से। तो तुम बोलोगे दूरी का तो पता ही नहीं चल रहा श्रीमान, दूरी का तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं दूरी, हम दूरी पता कर लेते हैं, दोनों के बीच का दूरी कितना है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर 4m। ओ, इन दोनों से, इन दोनों को कितना दूर पर रखा, टू पॉइंट मासेस हैविंग मास m एंड 4m आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस आर, ये पूरा दूरी कितना है दोस्त, आर, स्मॉल आर में। और मान लो आई पॉइंट पे जीरो है, तो जहां पॉइंट पे जीरो होता है वहां के लिए हम एक्स डिस्टेंस निकाल सकते हैं, याद आ रहा है कितने लोगों को, फॉर्मूला हाँ बताए सर, थे हाँ सर, इस एक्स का, क्या फॉर्मूला था, डी अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन, याद आया, एन क्या होता था कि बड़ा वाला मास उससे कितना गुना ज्यादा बड़ा है, एक्स यहां से पता चल जाएगा, आर की जगह डालेंगे डी और अंडर रूट में क्या डालेंगे, 4 प्लस 1, तो क्या हमें एक्स का वैल्यू पता चला, एक्स बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 आर बाई 3, है ना, ये हो गया आर बाई 3 डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा आर बाई 3, आर माइनस आर बाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आर बाई 3, कितना हो जाएगा 2 आर बाई 3, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब हमें इसकी वजह से पता चल जाएगा, देखो इसकी वजह से मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूँ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर, आर कितना है, आर है 2 आर बाई 3, कितना है 2 आर, और ऊपर चले जाएगा 3, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा, अच्छा माइनस साइन के साथ होगा, इसकी वजह से होगा माइनस जी कैपिटल एम, यहाँ पे एम हमने गलत लिख दिया, मास कितना है 4m लेना पड़ेगा, रुको इसमें 4m लेना पड़ेगा ना, क्यों ममता और मृणाली तुम भी नहीं बोल रही, हाँ सर, फोर बोल रही जीएम, हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस जीएम बट्टा कितना हो जाएगा आर, जो कि ऊपर चला जाएगा 3। अब दोनों की वजह से पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, माइनस जी एम 3 बाई आर प्लस माइनस माइनस 4 gm 3 बाई 2 r, तो ये 2 से 2 कट गया ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को सीधा ऐड कर दो सिंपल, r कॉमन में है कितना हो जाएगा 9, माइनस में 9 gm अपॉन r, यही आंसर है क्या, 6 हो जाएगा ना, यही आंसर, कोई दिक्कत, पोटेंशियल एनर्जी माइनस मत करना, ऐड कर देना हमेशा, ठीक है, इजी। तो ऊपर देखो योगेश दादा, 2 से 2 को काटे थे तो 2 3 6 हो गया, दाएं तरफ वाले में, है ना, यहाँ कितना हो गया 6 और यहाँ 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है, फाइन, बोल, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, बहुत इजी है, तुम लोग जानते हो
तुम लोग बोलोगे कि सर छोड़ दीजिए, हम लोग खुद बना लेंगे, हम लोग तो खुद बना लेंगे, तुम लोग इतने चालाक लोग। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, नाम कमाना है ना, तो देखो यह है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल स्लो इतना हो गया कि क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। पहले लिखेंगे ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब मुझे बताना, ठीक है मुझे बताना, हॉलो स्फीयर में तीन केस बन सकता है क्या मृणाली? हॉलो स्फीयर में तीन केस बन सकता है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर सर। बिल्कुल। एक मिनट, एक केस ये कि जब हमारा पॉइंट मास कहाँ पे हो, एक पॉइंट मास हमने मान लिया, हमारा पॉइंट मास कहाँ से कहाँ तक आए, इन्फिनिटी से यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, जिसका दूरी सेंटर से क्या है आर, बोलोगे हाँ ठीक है। या ये हो सकता है कि वो हमारे इस सरफेस पे आ जाए जिसका दूरी कितना हो सकता है स्मॉल आर, तुम बोलोगे ठीक है अभी भी स्मॉल आर, हाँ अभी भी स्मॉल आर ही है, देखो ना मैं बता रहा हूँ। या ये हो सकता है कि वो अंदर ही चले आए, स्फीयर के अंदर भी तो आ सकता है ना, मान लो स्फीयर के अंदर आ गया और ये हो गया स्मॉल आर, और यहाँ पे मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो तीन केस बनेगा, एक केस जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, एक जिसमें दोनों बराबर होंगे, एक जिसमें वो छोटा होगा, करेक्ट? तुम बोलोगे बिल्कुल करेक्ट, है ना। अगर मैं आउटसाइड का बात करता हूं, केस वन आउटसाइड, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाई आर। आर जी एम किसका हो जाएगा, जी एम हो जाएगा हॉलो स्फीयर, आर यानी वो दूरी स्मॉल आर, ठीक है। आउटसाइड के लिए, ये किसके लिए, आउटसाइड के लिए, कोई दिक्कत जो गेस्ट था, सिंपल है ये तो, इसमें तो कोई माथा पच्ची नहीं है, फॉर्मूला सीधा। ये भी तो हो सकता है कि सरफेस पे आ जाए, बोलो। अरे बोलो बोलो। हाँ सर। तो मैं लिख देता हूं केस टू, केस टू मतलब एट सरफेस। तो सरफेस पे जब आएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर तो बराबर हो जाएगा, रेडियस और उसका दूरी तो बराबर हो जाएगा ना ममता मृणाली, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाई रेडियस, सिंपल। आर लिखो स्मॉल आर लिखो कुछ भी लिखो सब बराबर, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। तीसरा, तीसरा और इम्पोर्टेंट केस, अंदर जब चले जाए, तो जब वो अंदर जाएगा तो केस टू का फॉर्मूला क्या था? केस किसका, किसी की तरफ से आवाज आ टू रहा है सर, बहुत, केस टू का जी ये एम बाई इसी आर, का फॉर्मूला, जी एम बाई आर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, रेडियस के बराबर ही है ना, सरफेस पे बैठा है, तो जो लिखना है लिख दीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ केस थ्री, केस थ्री यानी इनसाइड का बात कर रहे हैं, इनसाइड, इनसाइड में क्या होता है रुनाली, तुम बोलोगे इनसाइड में रेडियस बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है दूरी, ऐसा होता है, ठीक है। तो इनसाइड में है दोस्त, क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इनसाइड में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन देखो कैसे होता है, ध्यान से सुनिए, हम फॉर्मूला पढ़े हैं डी वी चेन, हम पढ़े वी इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू यू बाई आर, है ना, या हम ये भी पढ़े हैं वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो हम पढ़ते हैं डी वी इज इक्वल्स टू आई डी आर, तुम बोलोगे ये तो पढ़े ही, ये तो पढ़े हैं, या कोई नया चीज आप पढ़ा नहीं रहो, ठीक है सेलेक्ट हो जाए भाई, इसको इंटीग्रेट कर देना, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, डीवी माइनस आईडीआर, माइनस माइनस लगा दो ना, माइनस, ठीक है माइनस आइडिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, माइनस अभी भी बाहर रहेगा, और ये हम ले लेते हैं इन्फिनिटी से, है ना, पहले आर डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, आर मतलब कहाँ पे आए हैं, सरफेस पे आए हैं, आर मतलब कहाँ पे आए हैं दोस्त,
सरफेस पे आए हैं, है ना, हॉलो स्फीयर के सरफेस तक पहुंचे हैं। एकदम ध्यान से सुनते जा डियर। माइनस, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। सरफेस से अब कहाँ जा रहे हैं, अंदर। अंदर कितना गए, स्मॉल आर दूरी पे, तो ये आएगा आई डी आर। तुम बोलोगे ठीक। तो डेल्टा वी यानी क्या होता है, डेल्टा वी मतलब हो गया कि कोई भी पोजीशन, मान लो वो आर वाला पोजीशन पे, माइनस कहाँ से आ रहा है, इनिशियल, इनिशियल आ रहा है इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी लिखते हैं। इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ सरफेस पे आता है तो कितना उसका पोटेंशियल होता है। तुम बोलोगे अभी अभी आपने बताया है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, आर यानी रेडियस, ठीक है। माइनस, अगर कोई अंदर जाता है तो आई का वैल्यू क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर कितना होता है, हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो, जीरो अंदर कुछ नहीं होता, होता। जीरो। तो मैं माइनस सीधा जीरो लिखूंगा, खत्म, और कुछ नहीं, मैं सीधा क्या लिखूंगा, माइनस जीरो। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, किसी को भी। और नहीं इन्फिनिटी को हमने क्या माना है योगेश दादा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमने जीरो माना, तो वी आर डिस्टेंस है ना, उसका क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल माइनस जी एम बाई आर। तुम बोलोगे अरे यानी फिर सब जगह का तो वही हो गया ना, सब जगह का तो वही हुआ, माइनस जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, हाँ सब जगह का वही हुआ, है ना। सरफेस का भी वही होता है, अंदर का भी वही होता है, सिंपल। सरफेस का भी वही, अंदर का भी वही है। अंदर किसी भी पॉइंट पे, मैं लिख देता हूं ये इनसाइड का है, एक सेकंड मैं लिख देता हूं, एक मिनट। अंदर किसी भी पॉइंट का किसी भी पॉइंट का वीपी यही होगा। पी मतलब पॉइंट, किसी भी पॉइंट, है ना। तुम बोलोगे गजब है ये, तो गजब तो है। अब हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। कितना टाइम है हमारे पास बचाओ, 10 मिनट हो गए, नहीं साढ़े छह 15 मिनट। मिनट कोई अरे नहीं, नहीं कोई बात नहीं। इसका ग्राफ बना के देखे क्या, आओ ग्राफ ड्रॉ कर ले, कर आओ ममता ग्राफ ड्रॉ करें। हाँ देखो ध्यान से, ये मैं ग्राफ दे रहा हूं, वी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये दूरी है स्मॉल आर इनके बीच में। तो अंदर में तो जीरो रहता है, कुछ चेंज ही नहीं होता। तुम बोलोगे हाँ अंदर कोई चेंज नहीं होता, बाहर क्या होता है, बाहर वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तुम बोलोगे हाँ, तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, कोई दिक्कत। और ये कहाँ का है, ये कहाँ का है सीन, ये वहां का है, सरफेस का है, जब आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है, और ये आर इज इक्वल्स टू जीरो का है, ठीक है, यानी अंदर सेंटर पे, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है वैल्यू, जी एम बाई आर। तो देखो ना, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ना, तो ये है आउटसाइड, ये किसका कहानी है, आउटसाइड का। और ये क्या, कहाँ का है कहानी, इनसाइड का, ठीक है। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत है क्या, ये हॉलो स्फीयर का तो काफी इजी था। अब ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर का हम जो भी कैलकुलेट करेंगे, तुम समझ जाना हमारी धरती माता का भी ऐसा ही कुछ सीन है, ठीक है, हमारी धरती का भी ऐसा ही कुछ सीन है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।